नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाउट या आर्थराइटिस की बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में। यदि आपको पुराने समय से आर्थराइटिस है, गठिया वात की परेशानी है, काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, काफ़ी सारी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई आप खा चुके हैं, जमाने भर का आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और फ़र्क पड़ता भी है तो कुछ समय रहता है, फिर जैसे ही दवाई छोड़ दी वैसे ही पुरानी जैसी कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए एक शानदार होम्योपैथिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ, जिसको आप लेते हैं मात्र दिन में 3 बार, तो आपकी कितनी भी पुरानी गाउट की, आर्थराइटिस की परेशानी होगी, जॉइंट्स में दर्द होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है जिसको आर्थराइटिस की या गाउट की परेशानी है। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। यदि आपको गाउट की, आर्थराइटिस की परेशानी है, फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में किसी को गाउट की परेशानी है, तो अभी तुरंत उनको शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन के लिए आप डेली मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। पर्सनल और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों, ये यूँ तो मेरे वीडियोस हैं गाउट पर, आर्थराइटिस पर, जिस पर मैंने डिटेल में आपको बताया है कि गाउट होता क्या है, किन कारणों से होता है, और उसकी इन जनरल होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा गाउट या आर्थराइटिस क्या होता है। जो यूरिक एसिड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स में आकर के डिपॉजिट होने लग जाता है। इस कारण से जो जॉइंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, पेनफुल मूवमेंट होने लग जाता है। दूसरा कारण दोस्तों होता है कि जब भी आपकी हड्डियों में सूजन आ जाती है, जिसको हम आर्थराइटिस बोल देते हैं या ओस्टाइटिस बोल देते हैं, ओस्टाइटिस के कारण क्या होता है कि आपकी जो हड्डियों के जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। मान लीजिए ये जॉइंट है दोनों हड्डियों का, तो यहाँ पर पूरा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब सूजन आ जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक जीवन में जो हम लोग काम करते हैं, छोटे मोटे काम भी करना दुर्भर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। ये जो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ दोस्तों, ये एडवांस गाउट के या आर्थराइटिस के केसेस में भी काम आएगा, जिसमें आपने देखा होगा बहुत से लोगों की उंगलियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो ये छोटे छोटे से जॉइंट है ये सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना, और यहाँ पर सूजन, रेडनेस देखने को मिलती है। हाथ भी लगाओगे तो भी दर्द होगा, और उंगलियाँ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। एलोपैथी में केवल स्टेरॉइड दे करके आपके चीज़ों को दबाया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। होम्योपैथी का सहारा आप लीजिए एज सून एज पॉसिबल, जब भी आपको पता लग जाए कि आपको आर्थराइटिस है, भले ही आप एलोपैथिक दवाई लेते रहें कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप जरूर बताएं, आपके नियरेस्ट कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो उसको जा करके अपना केस टेकिंग जरूर करवाइए, और प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके परेशानी को जड़ से ठीक करती है, और एलोपैथिक दवाई जो है तुरंत आपको यदि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ले सकते हैं, पर होम्योपैथिक दवाई एटलीस्ट ये जो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ वो आपको तुरंत रिजल्ट देगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि देखिए गाउट पर और आर्थराइटिस पर इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्ट मेडिसिन पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी उस पर वीडियो बने हुए हैं। हमारे सब्सक्राइबर हैं राकेश शर्मा जी, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर गाउट पर कोई कॉम्बिनेशन बता दो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करना उचित समझा। और यदि आपका भी कोई ऐसा क्वायरीज है, किसी पर आप कोई बीमारी पर दवाई चाहते हो, तो मुझे बताइएगा। जो शर्मा जी हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे फॉलोवर हैं और मोटिवेशन भी हमको करते रहते हैं, और राजस्थान से हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए तुरंत मैं वीडियो लाऊं। तो देखिए होम्योपैथिक दवाइयों का जो है लेने का तरीका कुछ अलग होता है, तो जो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन लेना है उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें लेना है। अच्छा, एक और बात ये कि जितनी भी दवाई मैं कॉम्बिनेशन में बताऊंगा एक ही कंपनी की हो तो अच्छा है। यदि ऐसा होता है इन केस की 5 दवाइयाँ जो मैंने बताई है उसमें से केवल आपको 4 दवाइयाँ एक कंपनी की मिल रही है, एक कंपनी दूसरी है मिल रही है, तो आप नो डाउट मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। पर जहाँ तक हो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए और एक ही कंपनी की आपको मिल जाएगी। कंपनियों की बात करूँ तो आप SBL कंपनी या शोबे कंपनी, डॉक्टर रेकवेग,
ये इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहली दवाई जो है दोस्तों गाउट और आर्थराइटिस के केसेस में जो गाउट के कॉम्बिनेशन में आपको लेना है वह है कॉल्चिकम, कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में। कॉल्चिकम एकदम रामबाण औषधि है। आपकी स्मॉल जॉइंट में यदि आर्थराइटिस होता है, पैरों की उंगलियों में, पैरों के टखनों में, हाथ की छोटी छोटी अंगुलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, आपको कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, इतना दर्द होता हो कि पूरा वहाँ पे सूजन आ गई है, रेडनेस देखने को मिल रही है आपको, और आप छूते हैं तो ही आपको बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, और आप मतलब व्यक्ति छू भी नहीं पाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। डॉक्टर एग्जामिन करता है तभी आपको दर्द होती है, मतलब इतना ज़्यादा आपको सॉरनेस देखने को मिले, इतनी ज़्यादा आपको पेन देखने को मिले, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में, तो कॉल्चिकम टॉप मोस्ट दवाई होती है। कॉल्चिकम को 30 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में आपको डालना रहेगी। दोस्तों अगली दवाई आती है लीडम्पाल। लीडम्पाल भी बहुत अच्छी दवाई है, अगेन स्मॉल जॉइंट्स में ये काम करती है, पर ये काम तब करती है जब आपको जो है यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी हो रहा हो और छोटे छोटे से जो कण है वो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गए हो। आप जब हाथ पैर हिलाते हो तो आपको कट कट की आवाज़ आती हो, या ऐसा कुछ लगता हो जैसे कुछ रेत जैसा अंदर फील होता हो, दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, और नीचे से ऊपर की ओर आपका गाउट बढ़ रहा हो, मतलब पहले पैर में था, अब घुटनों में आया, फिर थाइज में आया, फिर हाथों में आ गया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर यदि बढ़ रहा हो तो ये बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। लीडम्पाल बहुत शानदार दवाई है, आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में आपको डालना है। दोस्तों अगली दवाई होती है वह है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस आप सभी को पता है अर्टिकेरिया के लिए बहुत अच्छी दवाई है, साथ में यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी दवाई है, एज वेल एज यदि आपको जो है आर्थराइटिस की परेशानी है, आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द देखने को मिलता है, आपके जो जॉइंट्स है उसमें सूजन है, रेडनेस देखने को मिल रही है, और ये ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए अर्टिका यूरेनस बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। अगली दोस्तों दवाई आती है वह है ग्वाइकम। ग्वाइकम भी बहुत शानदार दवाई है, पर ये काम करती घुटनों पर, बड़े जॉइंट्स पर, जैसे मैंने आपको कॉल्चिकम बताया छोटे जॉइंट्स पर काम करती, वैसे ग्वाइकम बड़े जॉइंट्स पर काम करती है, जस्ट लाइक नी जॉइंट। यदि आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, वाद की गठिया की शिकायत है और घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो देखने को मिल रहा है, इतना कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आप नीचे बैठते हैं तो फिर उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप चलते हैं तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बैठे रहते हैं तो भी घुटनों में दर्द होता है, इतना ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम यदि आपको बनी हुई है, और आपको यदि यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, गाउट की परेशानी, आर्थराइटिस की परेशानी है, आप बेझिझक ग्वाइकम यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलाना रहेगा। दोस्तों अगली दवाई है अमोनियम फॉस्फोरिकम इसका पूरा नाम है। ये एक स्पेसिफिक दवाई है दोस्तों गाउट के लिए, पर ये तभी काम करती है तब आप जब आपका केस क्रॉनिक हो जाता है ना, मतलब आपको काफ़ी लंबे समय से गाउट की, आर्थराइटिस की परेशानी बनी हुई है, क्रॉनिक गाउट है आपको, तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देती है और बेझिझक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो अमोनियम फॉस है दोस्तों ये बहुत शानदार दवाई है, आपके बड़े जॉइंट्स से लेकर के छोटे जॉइंट्स तक, आप यदि एलोपैथिक मेडिकेशन काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, और आपको जो है रिजल्ट दिखता है फिर वापिस चले जाता है, फिर दिखता है फिर वापिस चले जाता है, ऐसे करते 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 आपने काफ़ी समय तक ट्रीटमेंट लिया, फिर बंद किया, फिर ट्रीटमेंट लिया, फिर बंद किया, तो इससे आपका जो गाउट है वो बिगड़ जाता है ना, और उस कंडीशन में अमोनियम फॉस रामबाण औषधि साबित होती है। तो अमोनियम फॉस क्रॉनिक गाउट के, क्रॉनिक आर्थराइटिस के केसेस में ही बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो सारी दवाइयाँ मैंने बताई है सभी को, अमोनियम फॉस को भी 30 पोटेंसी में आपको लेना है। तो ये जो पांचों दवाई हैं फिर से आपको बताता हूँ, पहली दवाई है कॉल्चिकम, दूसरी है लीडम्पाल, तीसरी है अर्टिका यूरेनस, चौथी है ग्वाइकम, और आपको पांचवी दवाई मैंने अमोनियम फॉस बताई है। इन पांचों दवाइयों को 30 पोटेंसी में आपको लेकर के आना है एक ही कंपनी की, और इसकी लगभग 10-10 ml आपको मिला देना है, 50 ml जो है आपका पूरा कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से शेक कर लीजिए, हिला लीजिए, ताकि आपस में दवाइयाँ अच्छे से मिल जाए, और एक ड्रॉपर वाली बॉटल में इसको भरिएगा, तब आपको जो है खाना खाने से आधे घंटे पहले
इसकी लगभग 5 बूंद डायरेक्टली आपको जीवान पर डाल लेना है। ऐसे सुबह आपको करना है खाली पेट, ऐसे दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले आपको ले लेना है, और ऐसे ही आपको रात के खाने से आधे घंटे पहले दवाई को ले लेना है। इस प्रकार से आप दवाई लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गाउट में और आर्थराइटिस में मिलेंगे। हालांकि दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इन जनरल दवाइयां हैं जो आपकी आर्थराइटिस में, गाउट में बहुत शानदार रिजल्ट देती है। पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई इसके साथ जरूर चलाइएगा, जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बताते हैं आप उसको चला सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो भी इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और यदि अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो जरूर कर दीजिए और लाइव क्लिनिक पर जरूर जुड़िए जो रात को 8:30 बजे होता है। पेट कंसल्टेशन के लिए, प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।